बिहार बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रखी गई है। यहाँ पे स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ उनको तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही है, और मैं हर एक वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपकी एक नई समस्या का समाधान करने वाला हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, OTP आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आ पा रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज च्वाइस करके यहाँ पे जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपने जो फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उसके नंबर उसी नंबर पे आपको एक OTP जाएगा, लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर है ही नहीं, या तो चोरी हो गया या तो बंद हो गया। अब आप सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे सुन नहीं रही है और आपके पास मात्र 6 दिनों का समय बचा हुआ। आज 11 अक्टूबर हो चुका है, 17 तक लास्ट डेट है। इसी के रिगार्डिंग मैंने यूनिवर्सिटी से बात की है कि अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर खो जाए तो कैसे फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे OTP, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो बात हुई है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूँ, तो पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं और भी आगे कुछ बताने वाला हूँ, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। जी सर, एक समस्या है यहाँ पे, मतलब OTP जब आ रहा है नंबर पे तो मतलब नंबर तो खो गया है, बंद हो गया है, तो कैसे मतलब होगा? ईमेल का भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तो कैसे हम लोग करें? समस्या है, आप हमको मेल कर दीजिए, आप नया आपका पुराना नंबर कौन था वो नंबर लिख दीजिए, आप इसके जगह आप कौन सा नंबर डलवाना चाहते हो वो नंबर डाल दीजिए, आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। सर उसमें 3 ईमेल आईडी है, तो किस पे मतलब का है? 3 देखे तो उसमें 3 ईमेल आईडी था। तो आपने यहाँ पे सुना कि मैंने जो बात किया आपको मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुना भी दिया है, आपके समस्या का समाधान वहाँ पे नहीं मिल रहा है। आपके लिए जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है। जब आप उस पर कॉल करेंगे तो बिजी बता रहा है, बहुत सारे नंबर है वहाँ पे जो बंद बता रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका भी नंबर खो गया है तो आपको ईमेल करना है, ठीक है? ईमेल क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे लिख देना है ताकि उनको सोल्यूशन हो, वहाँ पे जो है आसानी से आपका यूजर नेम पासवर्ड के तहत लॉगिन करके वहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। और उसमें यूजर नेम पासवर्ड लिख दीजिएगा और उसके साथ ही आप वहाँ पे अपना पुराना नंबर लिख दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि यहाँ पे ये मेरा पुराना नंबर है, और बाद में लिख दीजिए कि ये मेरा नया नंबर है, इसे चेंज करना चाहते हैं, पुराने नंबर के बदले इस नए नंबर को वहाँ पे देना चाहते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड के साथ वहाँ पे एक ईमेल कीजिए, उसके बाद आपका सोल्यूशन वहाँ से हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ जिसपे आपको ईमेल करना है, यही वह ईमेल आईडी है जिसपे आपको ईमेल करना है, biharcetbed@gmail.com। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, आप फर्स्ट वाले पर यहाँ पे कर सकते हैं, आप चाहे तो तीनों पे कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले वाले पे करना है। अगर यहाँ से समस्या के समाधान नहीं होती है तो आपको मैं हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर काउंसलिंग रिलेटेड क्वायरीज कॉल एट, यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, आप 5 नंबर को ट्राई कर सकते हैं। देखिए ट्राई कब करना है, 10 बजे के बाद से करना है, जब भी ऑफिस टाइम होती है उस टाइम में आपको यहाँ पे कॉल करना है, क्योंकि जब भी टाइम आपकी खत्म होती है 4 बजे के बाद फिर आपका कॉल यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। थोड़ा सा नंबर यहाँ पर बिजी आएगा लेकिन इस पर आपका लग जाएगा, ज़्यादातर नंबर आपका यह चालू रह रहा है, इस पर मैंने भी कल बात किया है, आप भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है आपको, इतना करने के बावजूद भी अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, धन्यवाद।